हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री डिस्क वाला जो होता है सेटअप बॉक्स वो रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि दोस्तों अभी मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। कभी चल जा रहा है और कभी नहीं चल पा रहा है, तो उसमें दोस्तों क्या दिक्कत हो सकती है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, और कैसे कैसे चेक करना चाहिए वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चला है अभी, ठीक है। मैंने यहाँ से बंद किया, और यहाँ से बंद करने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसका जो स्विच होता है और फिर यहाँ पर लाइन देख के, यानी कि डायरेक्ट लाइन देते हैं और फिर हमें देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे इसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे यानी कि बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर चल चुका है, यानी कि कभी चल जा रहा है कभी नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो दिक्कत क्या हो सकती है दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ पर पूरा इसमें दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे चेक किया जाता है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होता है, वोल्टेज अगर कभी चल जा रहा है या कभी बंद हो जाए, यानी कि साथ के साथ चल जाएगा और फिर बंद हो जाएगा, तो हमें दोस्तों इसमें क्या चेक करना चाहिए मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें दोस्तों सप्लाई चेक करनी चाहिए इस कंडीशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई के वैसे तो वायर ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज भी लिखी हुई है, अगर दोस्तों बोल जाते हैं तो आप 3.3 वोल्टेज, 2.2 यानी कि 5 वोल्टेज, ठीक है, और ग्राउंड, तो दो तो इसमें ग्राउंड होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब नहीं चला है, और कभी दोस्तों यहाँ पर चल गया था अभी पहले, थोड़ी देर पहले अभी चला हुआ था, ठीक है। दोस्तों मैंने ऑन ऑफ का स्विच भी चेक किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चल रहा है अभी, ठीक है। तो पहले चल गया था और फिर अब नहीं चल रहा है, तो हमें दोस्तों ये कंडीशन है इसमें यहाँ पर चेक करनी होगी वोल्टेज। तो मैं अभी आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। पहले हमने अपना ये जो सेटअप बॉक्स है ये रख लिया है, और रखने के बाद दोस्तों बंद कंडीशन में हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज कितनी कितनी आनी चाहिए, मैंने अभी सप्लाई पे आपको दिखाई थी 5 वोल्टेज, 3.5 वोल्टेज, 21 वोल्टेज और 15 वोल्टेज, ठीक है। अब मैं दोस्तों सारी वोल्टेज आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जिक होती है हमारे दोस्तों 6 पिन की, और ये कार्ड तक चेक करनी होती है। अब दोस्तों हमने एक ग्राउंड पर लगाया, और यहाँ पर हमें पहले कार्ड पर चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोम्स में आ रही है, वो गलत है, यानी कि वोल्ट में आनी चाहिए थी। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए किलोम्स में आ रही है, फिर हमें दूसरे वोल्टेज चेक करेंगे, वो भी नहीं आ रही है, और तीसरी वोल्टेज चेक करते हैं, 3 वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 17 वोल्टेज आ रही है सिर्फ, यानी कि 5 की जगह 17 वोल्टेज आ रही है, तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18, ठीक है, 19, और यहाँ पर हमें देखना होगा 21 वोल्टेज के करीब। तो यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले से सप्लाई को खोल लेते हैं और सपा कर लेते हैं, ठीक है। सप्लाई को खोल के सपा करके, और ये सप्लाई भी और कार्ड भी दोनों खोल लेते हैं, और फिर दोस्तों जितने भी वायरिंग है इसके दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसे बिल्कुल अच्छी तरह से खोल के। तो इसे जल्दी से खोल लेते हैं जिससे कि दोस्तों टाइम वेस्ट ना हो, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसी वजह से कि हम पूरा यहाँ पर दोस्तों करके आपको बिल्कुल कैमरे के लाइव दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सप्लाई भी खोल ली मैंने, और यहाँ पर क्या है कार्ड भी खोल लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ वायर भी टूट चुके हैं, और मैंने क्या सोचा कि इसमें वायरिंग करके देख ली जाए, क्या पता दोस्तों चल जाए, ठीक है। ये वायर लिया मैंने 6 रेनबो वायर बोलते हैं, जिसे रिबन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने दोस्तों ये 6 वायर लिए हैं, और 6 यानी कि 6 वायर के बाद फिर हमें सोल्डिंग करनी है जिक पे, नीचे की साइड सीधे सीधे लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पर सप्लाई रखी है ऐसे लगा देंगे, अगर भूल जाते हैं दोस्तों पुराने वाले जिक देख लीजिए और उससे आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लगा दिया, और इसे सपा भी करनी ज़रूरी है, मैंने बता भी रखा है क्यों सपा करते हैं, क्योंकि आपस में कोई वोल्टेज जो है यानी कि शॉर्ट ना हो जाए, ठीक है, वरना कार्ड भी फूक सकता है, सप्लाई तो जाएगी जाएगी, क्योंकि जो कार्ड आता है वो दोस्तों वो महंगा आता है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, शायद तो मैं बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे। फिलहाल मैंने यहाँ पर दोस्तों इसे चालू किया, चालू करने के बाद दोस्तों मैं अभी आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। वोल्टेज नहीं आ रही है, ठीक है, वोल्टेज भी नहीं आ रही है अभी, मैंने अभी आपके सामने इसकी बिल्कुल जिक लगाई है नहीं, ठीक है, वोल्टेज नहीं है बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं किलोम्स में है। अब हमें वोल्टेज के लिए क्या चेक करना होगा, अब हमें दोस्तों पहले मेन लीड भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये तो वोल्टेज तो यहाँ पर दिक्कत ही थी क्योंकि यहाँ पर नहीं था, तो अभी हमें वोल्टेज के लिए क्या करना होगा, जो वोल्टेज यहाँ पर आ जाए, तो सबसे पहले लीड चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या पता दोस्तों लीड ये हमारी ख़राब हो, तो दूसरे वाली लीड लगाते हैं यहाँ पर, जो टेस्टिंग वाली होती है हमारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर इसे पूरी सप्लाई को निकाल दिया,
और इसके दो क्लिप्स ही होती है साइड में, तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों इसकी दूसरी सप्लाई यानी कि इसे ही लगा के देखता हूँ। पहले ये जो है हमारा पहले मेन कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं। और ये दोस्तों आपको पेचकस लगा के जब देखना है, जब आपका सीरीज बोर्ड में आपका प्लग लग रहा हो। अगर वैसे लगाओगे तो दोस्तों घर की भी लाइट जा सकती है, शॉर्ट हो जाएगा ना इस वजह से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसे पहले रिमूव कर लेते हैं ये जो वायर है मेन लीड के, और अलग से मेन लीड लगा के देखते हैं। क्या पता दोस्तों स्विच भी ख़राब हो सकता है, और लीड तो वैसे अभी हम चेक करेंगे आपके सामने। तो मैं इसे लगा लेता हूँ लीड को, टेस्टिंग वाली, जो मैंने काफ़ी वीडियो में आपको दिखा भी रखा है कि मेन लीड ये जो हमारी होती है वो टेस्टिंग के लिए होती है अलग से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, अभी मैं सोल्डिंग कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, सोल्डिंग हो चुकी है, अभी मैं दोबारा से इसे चला के दिखाता हूँ, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बंद होता है या नहीं होता है। थोड़ी देर ऐसे चला के छोड़ देंगे, क्योंकि अपने को संतुष्टि होनी चाहिए। कस्टमर तो बाद में दोस्तों अगर ले जाएगा फिर लेकर आएगा तो उससे दोस्तों नाम ही गंदा होता है। तो पहले आपको खुद टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, कुछ भी चाहे कुछ भी रिपेयर होने के लिए आ रहा हूँ। तो अब हमने यहाँ पर लगा दिया है इसे, सप्लाई को भी और कार्ड को भी, और अब मैं इसे एक बार चालू करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लगा दिया प्लग इसका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले तो आ चुकी है, और यहाँ पर अभी चालू होएगा यानी कि 1-2 सेकंड लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चालू हो चुका है। तो थोड़ा अभी मैं कैमरा उतार के दिखा देता हूँ आपको, थोड़ी देर ऐसे रखेंगे क्योंकि टेस्टिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अभी भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि जब तो जल्दी बंद हो गया था। तो हमारी क्या दिक्कत थी दोस्तों, हमारी जो इसमें दिक्कत थी वो हमारे रेनबो वायर में दिक्कत थी, यानी कि रेनबो वायर जो थे वो गल चुके थे जड़ से ही। तो हमने इस वजह से दोस्तों दूसरी सोल्डिंग की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सप्लाई मैंने दोबारा से लगा दी, और जो दिक्कत थी दोस्तों वो सॉल्व हो चुकी है। अब मैं दोस्तों एक बार आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर वोल्टेज कितनी कितनी आती है। ठीक है, आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, और यहाँ पर कार्ड जो है ऑन हो चुका है। ठीक है, यानी कि सप्लाई जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब दोस्तों हमें कैसे सप्लाई चेक करनी होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्रोब ग्राउंड पे, पहली दोस्तों 5 वोल्टेज की, दूसरी दोस्तों हमारी होती है ग्राउंड, उसे छोड़ देंगे। ठीक है, और तीसरी होती है 22 वोल्टेज यानी कि 21 वोल्टेज की, ये होती है हमारे दोस्तों 15 वोल्टेज, 16 वोल्टेज आ रहे हैं ये भी ठीक है। फिर हमारे 3.5 वोल्टेज ये भी ठीक है, 3.4 वोल्टेज ये डीसी के आने चाहिए, जो भी मैंने दोस्तों 3 वोल्टेज आपको दिखाई है। वैसे यहाँ पर लिखा भी है, आप इसके हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज यानी कि चेक कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।